अपनी अटेंडेंस चार्ट में लगा दें, रोल नंबर लिखना है चार्ट में। ओके हम लोगों ने जेनिथल प्रोजेक्शंस की थी, आज उसी को रिवाइज करना। सो इनको हम पोलर जेनिथल प्रोजेक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने चार टाइप्स करनी है, तीन जो है वो पर्सपेक्टिव वाली है, एक मैथमेटिकल है। और पर्सपेक्टिव वाली वो है जिनमें हम कंसिडर करते हैं कि शेड जो है वो कास्ट होगा बाय द सोर्स ऑफ लाइट। उसमें सबसे पहली टाइप जो है वो नमोनिक प्रोजेक्शन की है। उसके बाद सेकेंड टाइप जो है दैट इज कॉल्ड स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। स्टीरियोग्राफिक के बाद तीसरी टाइप जो है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। फर्दर चौथी टाइप हमने करनी है इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। जहाँ तक इसका मैथमेटिकल प्रोसीजर्स हैं, उसमें सबसे पहले तो आपके पास क्वेश्चन स्टेटमेंट आ जाती है कि जस्ट लाइक कंस्ट्रक्ट जेनिथल मोनिक प्रोजेक्शन व्हेन स्केल इज 1:125,000,000। एंड जी आई विच स्टैंड फॉर ग्रेटिक्यूल इंटरवल इज सपोज कर रहे 30 डिग्रीज। ठीक है, सो हम लोगों ने क्लास में इसको पहले भी किया हुआ है। रेडियस ऑफ ग्लोब कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, रेडियस ग्लोब इज इक्वल टू एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय द स्केल व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो रेडियस ऑफ ग्लोब कैलकुलेट होगा वो होगा ₹250,000,000 इज एक्चुअली द एक्चुअल रेडियस ऑफ द प्लैनेट अर्थ, इंचेस में ये मल्टीप्लाइड विद 1/125,000,000 एंड द आंसर वुड बी रेडियस ऑफ ग्लोब विल बी कैलकुलेटेड एज 2 inches। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हमने ये प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है, उसके लिए जो स्ट्रक्चर के लिए हमें रिक्वायर्ड चीज है वो एक सर्कल है, दैट सर्कल शुड हैव अ रेडियस ऑफ 2 inches। ठीक है, अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो रेडियस ऑफ ग्लोब आपने कैलकुलेट किया उतना आप सर्कल ड्रॉ करेंगे 2 inches रेडियस का। इसके ऊपर आप पोलर और इक्वेटोरियल डायमीटर्स ड्रॉ करेंगे। जो पोलर डायमीटर है वहां पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट का मतलब है कि इट शुड बी एग्जैक्टली पैरेलल टू इक्वेटर एंड इट शुड टच द पोल, ओनली पोल विल बी टच्ड। सो दैट वुड रिप्रेजेंट द शीट ऑफ पेपर व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द पोल एंड इट इज टचिंग द ग्लोब टेंजेंशियली, एज अ टेंजेंट वो उसको टच कर दिया। ठीक है,
इसके बाद आपके पास जो लैटिट्यूड्स के लिए इंटरवल गिवन है, उस इंटरवल के एंगल्स हम ड्रॉ करते हैं। उसमें आपके पास एक 30 डिग्री का एंगल आएगा। अब आप देखिएगा, जब आप मनोमिक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे होते हैं तो उस एंगल को इस टेंजेंट लाइन तक एक्सटेंड कर दिया जाता है, और जहाँ पे ये टच करेगी वहाँ तक इसको आपने एक्सटेंड किया। इसी तरह से आपने 60 डिग्री एंगल मार्क किया और उसको भी आपने एक्सटेंड कर दिया अप टू द टेंजेंट लाइन। सो इसके ऊपर हम मार्क कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स आगे। एक हमारे पास पोल पी से रिप्रेजेंट हो गया। 60 डिग्री लैटिट्यूड दिखाने के लिए आप इसको कह लें कि ये ए है, और इधर से आपका 30 डिग्री लैटिट्यूड दिखाने के लिए सी है। जो पोल है वो इस पर ड्रॉ नहीं, सॉरी इक्वेटर इस पर ड्रॉ नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि जो इक्वेटर से शेड कास्ट होना है दैट विल रन पैरेलल टू दिस टेंजेंट लाइन, सो दैट विल नेवर बी कास्ट ऑन द टेंजेंट लाइन। दैट विल मीन के इक्वेटर इस पे ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आपके पास ये इसका स्केच जो है वो पहले बनता है इनिशियल। इसके बाद हम इस प्रोजेक्शन की ड्राइंग पे आ जाते हैं कि इसको किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। सो इसकी ड्राइंग के लिए हमने करना यही है कि वी हैव टू ड्रॉ अक्रॉस। पहले बात है कि क्रॉस ड्रॉ करेंगे, क्रॉसिंग लाइंस, एक स्टार्टिंग पॉइंट चूज किया जाएगा। एंड दैट स्टार्टिंग पॉइंट विल बी कंसिडर्ड एज द पोल। तो जहाँ पे ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इसको हम पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि दिस इज पोल। अब आपके पास ये जो लाइंस आई हैं, ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, ये बेसिकली मेरिडियंस को रिप्रेजेंट करेंगी। लेकिन सबसे पहला काम अब ये है कि हम पहले लैटिट्यूड्स को ड्रॉ कर लें कि पी टू ए जितना डिस्टेंस है इतनी कंपास खोल के आप एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रेडियस। ठीक है, तो ये सर्कल जो है इट विल बी अ कंसेंट, मतलब जितने भी सर्कल्स लगेंगे वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, दे विल हैव द सेम सेंटर। सो ये आप कह रहे हैं कि ये मैंने सपोजिंगली पी टू ए जितना डिस्टेंस था उतना रेडियस जो है वो यहाँ से कंपास खोली है और उसके बाद इसको मैंने ड्रॉ कर दिया। सो दिस वुड रेफर टू ए, अगर हम यहाँ पे ए कह लें, बट इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 60 डिग्री लैटिट्यूड। इसी तरह से फिर आपने पी टू सी, यानी कि इस पॉइंट से पी से सी तक जो है वो आपने कंपास खोली और आप 30 डिग्री लैटिट्यूड जो है उसको भी ड्रॉ कर दी। ठीक है, सो इसमें ये आपके पास चार अभी लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉन हैं और लैटिट्यूड्स जो हैं वो ऑलरेडी आपके पास सिर्फ दो ही ड्रॉ हो सकेंगे। एक पोल जो है वो मेंशन्ड है, नज़र आ रहा है एज द सेंटर, और दो लैटिट्यूड्स जो है वो सिर्फ ड्रॉ हो सके हैं, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। ठीक है, सो अब इनको हम अगर लेबल करें तो यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री पोल आ गया। फिर ये जो ए था दिस एक्चुअली रेफर्स टू 60 डिग्री लैटिट्यूड। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 30 डिग्री लैटिट्यूड है, वो भी आपने मार्क कर दिया। जहाँ तक लॉन्गिट्यूड्स की तादाद है, उसमें पहले आपके पास अगर ये 0 डिग्री आता है तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जो है वो 180 डिग्री आएगा। इस साइड पे 90 डिग्री ईस्ट मार्क होगा, इस साइड पे 90 डिग्री वेस्ट, अभी टाइम 90 डिग्री वेस्ट जो है वो इस साइड पे होगा। नेक्स्ट जो चीज़ आएगी वो आपने लॉन्गिट्यूड्स, अब चूंकि आपको जो इंटरवल दिया गया दैट इज ऑफ 30 डिग्री, सो उस हवाले से आपने
जो डेफिनेशन है लॉन्गिट्यूड्स की, द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, तो हमारे पास ये 0 डिग्री जो है वो प्राइम मेरिडियन के तौर पे आ रहा है। सो यहाँ से आप जो है वो 30 का एंगल प्रोटेक्टर को यूज करते हुए लगाएंगे और यही एंगल ऑपोजिट साइड पे जो है वो 120 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सो यहाँ से आपने एक लाइन 30 के एंगल पे ड्रॉ की एंड दैट विल ऑपोजिट साइड जो है वो इसकी 150 की होगी। इसी तरह से आप यहाँ से एंगल मार्क कर रहे हैं 60 डिग्री ईस्टर्न साइड एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज 120 डिग्री ऑन द ऑपोजिट पोलर साइड, दूसरी साइड पे आपकी आ रही है 120 आ रही है। अब ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ आपने 30 का एंगल मार्क किया और 60 का एंगल मार्क किया, तो ये आपकी प्रोजेक्शन इस तरह से कंप्लीट होगी। इसको आप यहाँ पे रेलेवेंट डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड मेंशन करेंगे, मार्क करेंगे पहले हो। ठीक है, दो क्या हमारे इस तरह से इसको मार्क करेंगे। ओके, ये है आपकी नमोनिक प्रोजेक्शन। अब इस प्रोजेक्शन को हम इसकी अगर प्रॉपर्टीज को देखें तो प्रॉपर्टीज को इसको गो थ्रू कर लेते हैं। आपको एक फाइल सेंड की हुई है ऑलरेडी व्हाट्सएप पे, दैट इज ऑफ मैप प्रोजेक्शंस, जिसमें प्रॉपर्टीज मेंशन है। जी, इसमें आप अगर देखें नमोनिक प्रोजेक्शन के हवाले से, सो उसकी प्रॉपर्टीज को अगर हम देखते हैं तो इसमें जेनिथल नमोनिक नंबर 1 जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जेनिथल्स की, जितनी भी जेनिथल प्रोजेक्शंस आप देखेंगे उसमें पैरेलल्स आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो सर्कल के फॉर्म में आते हैं और वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, दे हैव द सेम सेंटर। जेनिथल प्रोजेक्शंस में द पोल इज अ पॉइंट फॉर्मिंग द सेंटर ऑफ द प्रोजेक्शन, सबसे एक्यूरेट एरिया जो प्रोजेक्शन में होता है जेनिथल टाइप में वो पोलर एरिया होता है, क्योंकि आपने देखा जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया था दैट वॉज टचिंग द ग्लोब ऑन द पोलर साइड और पोलर पॉइंट। So pole is the most accurate area shown in the zenithal projections in polar cases. Meridians ko aapne observe kiya, meridians are straight lines radiating from the pole and spaced uniformly at their correct angular interval. Jo unki definition thi angular distance from prime meridian, usi tarah se humne usko angles ke taur pe measure karke draw kiya hai meridians ko. So meridians are drawn on their true angular interval, thus making the direction from the center as true. So direction hamesha jo hai wo angles aur bearings pe hoti. So is projection pe, yani jitni bhi ye projections hain zenithal projections, inko azimuthal bhi kaha jata hai, inme direction jo hai wo sab projections pe accurate rehti. Meridians intersect the parallels at right angles. जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं मेरिडियंस हैं वो पैरेलल्स को 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट करते हुए मिलेंगे। ये सब प्रॉपर्टीज, ये तीन पॉइंट्स आपको जेनिथल की तीनों टाइप्स, बल्कि ये जो चौथी आपके पास इक्वल एरिया भी है, इनमें कॉमन मिलेंगे। और जेनिथल नमोनिक के अंदर कौन सा डिफरेंस आ जाता है, नमोनिक में हम देखते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्रोजेक्शन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बिकॉज द रेडियस पासिंग थ्रू द इक्वेटर बिकम्स पैरेलल टू द प्लेन प्लेस्ड ऑन द पोल, अकॉर्डिंगली द इक्वेटर कैन नॉट बी शोन ऑन दिस प्रोजेक्शन। सो इसको हम उसी तरह से देख सकते हैं कि जो ड्रॉइंग की थी
उस ड्राइंग में हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था, उसके ऊपर हमने पोलर इक्वेटोरियल डायमीटर्स ड्रॉ किए थे, फिर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था, रेलेवेंट जितने भी लैटिट्यूड्स है उनके एंगल्स को एक्सटेंड कर दिया था अप टू द टेंजेंट। सो अगर हम इक्वेटर को एक्सटेंड करेंगे तो वो टेंजेंट को टच नहीं करेगा बल्कि वो पैरेलल लाइन के तौर पे चलेगा। सो इस हवाले से यहाँ पे मेंशन है, अकॉर्डिंगली द इक्वेटर कैन नॉट बी शोन ऑन दिस प्रोजेक्शन। पैरेलल्स आर नॉट स्पेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस। जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पी से ए का फासला जो 60 के लिए आपके पास आ रहा है रेडियस पी टू ए, उसमें और पी टू बी जो 30 डिग्री को मार्क करने के लिए रेडियस है, उन दोनों में स्पेसिंग में काफी फर्क नजर आएगा। पैरेलल्स आर नॉट स्पेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस, द डिस्टेंसेस बिटवीन द पैरेलल्स इंक्रीज रैपिडली टुवर्ड्स द मार्जिन्स ऑफ द प्रोजेक्शन एंड दिस हैज रिजल्टेड इन एग्जैजरेशन ऑफ स्केल अलॉन्ग द मेरिडियंस। यानी सिंपल सी बात है, जब स्पेसिंग बिटवीन द पैरेलल्स इंक्रीज करेगी तो उसका इफेक्ट यही होगा कि जो रेडियाई हैं वो इंक्रीज करेंगे, सर्कल बड़े से बड़ा होता जाएगा। यहाँ पे आपके पास पोल टू 60 डिग्री जो एक डिस्टेंस आ रहा है, दैट रेफर्स टू द डिस्टेंस ऑफ द रेडियस, जो भी रेडियस आ रहा है वो रेडियस लेंथ ऑफ मेरिडियन को भी रेफर कर रहा है। सो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ ऑफ मेरिडियन है और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ ऑफ मेरिडियन है उसमें एक रैपिड इंक्रीज नजर आएगी। दैट विल मीन के अगर इस प्रोजेक्शन के ऊपर कोई सर्कुलर चीज ड्रॉ की जाती है या सर्कल ड्रॉ किया जाता है तो वो इलांगेट हो जाएगा अलॉन्ग द मेरिडियंस, कि मेरिडियन की जो लाइंस हैं उनके अलॉन्ग इनकी लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी और ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंशन है वो कम होगी। सो एक सर्कुलर शेप की अगर कोई स्टेट है, कोई कंट्री है, कोई सर जोन आप दिखा रहे हैं या आप एक मिसाइल की रेंज दिखा रहे हैं जो कि एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे सारी साइडों पे होनी चाहिए, शुड हैव सेम रेडियस, वो इस पर ड्रॉ नहीं हो सकेगा या वो एक ओवल शेप बना लेगा, दैट मीन्स कि डिस्टॉर्शन बढ़ेगी। ठीक है जी, तो इसमें यहाँ पे उसने मेंशन किया है कि द पैरेलल्स आर नॉट इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है जी, आर नॉट एट इक्वल डिस्टेंसेस। नंबर वन, डिस्टेंसेस बिटवीन द पैरेलल्स इंक्रीज रैपिडली टुवर्ड्स द मार्जिन्स ऑफ द प्रोजेक्शन, दिस हैज रिजल्टेड इन द स्केल अलोंग द मेरिडियंस, मेरिडियंस की लेंथ लंबाई इंक्रीज हो जाती है इस वजह से। The scale along the parallels also increases rapidly away from the center of the projection, यानी कि जो circumference है, parallel जो है वो circumference होगा उस radius का, क्योंकि parallels are circular in zenithal projections. So the exaggeration in the meridian scale is however greater than any other zenithal projection. तो इसमें जो है वो इतनी ज़्यादा exaggeration हो जाती है meridian scale में या meridians की length में कि equator तक जो है वो लेंथ मेजरेबल भी नहीं रहती। ठीक है, सो दैट इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन विच इज ज़ेनिथल नमोनिक प्रोजेक्शन। इसके बाद अब हम आ जाते हैं दूसरी प्रोजेक्शन की ड्राइंग पे, जिसको हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। सो ज़ेनिथल स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पे अगर हम आए, जी इसमें जो चीज़ है वो सिंपली यहाँ पे इसी क्वेश्चन को हम यूज़ करते हुए, मतलब 2 inches रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम आ रहे हैं टूवर्ड्स स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। सो प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहला प्रोसीजर तो वही है कि एक आप रेडियस ऑफ ग्लोब जो आपने कैलकुलेट किया था उतना सर्कल ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद आप एक इक्वेटोरियल डायमीटर और पोलर डायमीटर ड्रॉ कर देंगे। थर्ड स्टेप ये होगा कि आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एंड टेंजेंट शुड बी पैरेलल टू इक्वेटर एंड इट शुड हैव
राइट एंगल विद रिस्पेक्ट टू द पोलर डायमीटर. यहां से आप 60 का एंगल मार्क करेंगे, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे सर्कल के पैरीमीटर तक या सर्कमफ्रेंस तक. 30 डिग्री आप मार्क करेंगे. अब इस प्रोजेक्शन में, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में, अज्यूम ये किया जाता है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो ऑपोजिट पोल पे. सो यहां से आप सदर्न पोल से एक लाइन ओरिजिनेट करेंगे जो कि इसको इंटरसेक्ट करते हुए, यानी 60 को इंटरसेक्ट करते हुए टेंजेंट से आ मिले. इसी तरह से 30 डिग्री को आपने यहाँ पे मार्क कर दिया. फिर आप देखते हैं कि यही चीज आपने इक्वेटर पे भी अप्लाई की, इंटरसेक्ट करते हुए इसको आप ले आए अप टू द टेंजेंट लाइन. यहाँ पे मैं इसको मार्क कर रहा हूँ एज पी पोल. 60 डिग्री के लिए मैंने ए मेंशन कर दिया, 30 डिग्री के लिए बी मेंशन किया और सी मेंशन किया फॉर इक्वेटर. सो बाकी प्रोसीजर वही है. सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप एक क्रॉसिंग पॉइंट बना लें जहाँ से प्रोजेक्शन की ड्राइंग स्टार्ट की जा सकती है, ठीक है. और इसमें आपने करना यही है कि पी टू ए डिस्टेंस मेयर करके इतनी कंपास खोलनी और एक सर्कल कंप्लीट करना. दैट वुड बी द सर्कल फॉर 60 डिग्री लैटिट्यूड. फिर आप डिस्टेंस मेयर करेंगे पी टू बी for, and that distance will be for 30 degree parallel. इसका सर्कल डायमेंशन ड्रॉ हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे आप एक और चीज देखेंगे कि इसमें आपके पास P to C डिस्टेंस जो आ रहा है, दैट इज द डिस्टेंस फॉर इक्वेटर. सो इसमें इक्वेटर भी ड्रॉ होगा. ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन द पैरेलल्स इसमें भी इंक्रीज करेगी, लेकिन नमोनिक के कंपैरिजन में कम करेगी. यानी नमोनिक प्रोजेक्शन में बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन आ रही थी, इसमें रिलेटिवली कम एग्जैजरेशन आएगी. जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो बिल्कुल उसी तरह से मार्क कर दिए जाएंगे. यहाँ पे आपके पास ये 90 ईस्ट है और ये 90 ईस्ट इधर और 90 वेस्ट है. इधर आपके पास प्राइम मेरिडियन आ रहा है. 30 डिग्री इधर मार्क होगा तो वो ऑपोजिट साइड पे 150 बना लेगा. 60 डिग्री ईस्ट मार्क होगा तो इधर वो वेस्टर्न साइड के ऊपर 120 बना देगा. फिर 30 वेस्टर्न साइड से जब आप रिजनेट कर पाएंगे तो ऑपोजिट साइड पे ये 150 बना लेगा. 60 ऑन वेस्टर्न साइड विल बी 120 ऑन द ईस्टर्न साइड. सो ये आपके पास 90 ईस्ट, 120, 150, 150 वेस्ट, 120, 90 वेस्ट, 60 वेस्ट, 30 वेस्ट और यहाँ पे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन. इधर आपके पास नॉर्थ पोल 60, 30 और इक्वेटर 0. ठीक है, ये लैटिट्यूड्स आ जाएंगे. ठीक है, ये हो गया आपकी मैप प्रोजेक्शन की ड्राइंग. अब हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ. एक्सक्यूज मी सर, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है और जी, सो बाकी वो पॉइंट सेम रहेंगे. मेरिडियंस आर स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल्स आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, मेरिडियंस इंटरसेक्ट द पैरेलल्स एट राइट एंगल्स
ये सब सेम रहेगा, ठीक है। जो चीज आपके सामने रहेगी वो ये कि अब हम जेनिथल स्टीरियोग्राफिक की जो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं उसको यहाँ पे कंसिडर कर लें। तो उस हवाले से आप देखते हैं कि सबसे पहली बात जो पहले ही मेंशन कर दी थी कि पैरेलल्स आर नॉट स्पेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस, द डिस्टेंसेस बिटवीन देम इंक्रीज टुवर्ड्स द मार्जिन्स ऑफ द प्रोजेक्शन, एग्जैजरेशन इन द मेरिडियन स्केल इज हाउएवर लेस दैन दैट इन द केस ऑफ मनमोनिक प्रोजेक्शन। सो मनमोनिक प्रोजेक्शन में हमने ये ऑब्जर्व किया था कि बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन आ रही थी, मेरिडियंस की लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही थी, इतनी इंक्रीज कर रही थी कि जो आपके सामने लेंथ ऑफ मेरिडियन डिटरमिन होती है फ्रॉम पोल टू इक्वेटर वो भी डिटरमिन नहीं हो पा रही थी क्योंकि इक्वेटर इस पर शो नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ पे आप ये कहेंगे कि स्केल अलॉन्ग द मेरिडियंस इज एग्जैजरेशन अलॉन्ग द मेरिडियन स्केल इज रिलेटिवली लेस एज कम्पेयर टू मनमोनिक प्रोजेक्शन, स्पेसिंग इंक्रीज कर रही है टुवर्ड्स द मार्जिन ऑफ प्रोजेक्शन लेकिन मनमोनिक के निस्बत कम कर रही है। द स्केल अलॉन्ग द पैरेलल्स ऑल्सो इंक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्रोजेक्शन, लाजमी बात है जब रेडियाई इंक्रीज करेंगे तो सर्कमफ्रेंस भी इंक्रीज करेगा। हाउएवर the scale along the parallels increases in the same proportion in which it increases along the meridians, with the result that at any point the scale along the parallels is equal to the scale along the meridian. ab ye kya baat ho rahi hai, simple si baat hai, isme hum isko aise consider kar lete hain ki jab humne mnemonic projection ki baat ki thi to usme north south distance zyada increase kar raha tha aur east west distance relatively kam increase kar raha tha, to ek circular shape jo globe pe circular thi wo elongate ho gayi, uski east west dimension jo hai wo relatively kam extend hui, north south meridian scale zyada extend hui, jabki yahan pe wo mention ye kar raha hai ki isme jo expansion hai wo dono sides pe same hai, that means कि ग्लोब के ऊपर बना हुआ जो सर्कल होगा वो मनमोनिक प्रोजेक्शन पे एक इलोंगेटेड नॉर्थ साउथ फैली हुई और ईस्ट वेस्ट रिलेटिवली कम फैली हुई शेप में, यानी ओवल शेप में बनेगा। स्टीरियोग्राफिक में ये जो चेंज आएगा वो दोनों तरफ यूनिफॉर्म होगा, इंक्रीज हो जाएगा, रेडियस इंक्रीज हो जाएगा सर्कल का, लेकिन शेप वही रहेगी, दोनों साइडों का जो रेडियाई है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट ये सेम प्रोपोर्शन में एक्सटेंड करेंगे, तो द सर्कुलर शेप विल रिमेन सर्कुलर। सो जहाँ जो प्रोजेक्शंस शेप्स को प्रिजर्व करती हैं उनको हम ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शंस कहते हैं। सो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी नंबर 3 में देख रहे हैं, इट इज मेंशन के इट इज एन ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन, इस शेप को प्रिजर्व करने वाली प्रोजेक्शन है। यूजेस भी इसी तरह से हैं, हमें सर्कुलर शेप्स कहाँ चाहिए होती हैं, कोई टीवी का बूस्टर है या कोई मोबाइल के सर्विस का बूस्टर है तो उसका एक रेडियस डिटरमिन किया जाएगा कि वो कहाँ तक किस रेंज तक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सो वी विल रिक्वायर अ सर्कुलर शेप। सेम इज द केस, कोई मिसाइल की रेंज दिखानी है किसी कंट्री से लॉन्च किए जाने वाले, या एरोप्लेन्स की रेंज दिखानी है, फ्लाइट रेंज दिखानी है, तो उसके लिए ये प्रोजेक्शन यूज होगी क्योंकि सर्कुलर शेप को ये सर्कुलर ही रखेगी, उसको मेंटेन करेगी, ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन है, ये शेप प्रिजर्व करने वाली प्रोजेक्शन है। ओके, नेक्स्ट द थर्ड टाइप ऑफ द प्रोजेक्शन इज कॉल्ड जेनिथल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब हम इसकी ड्राइंग की तरफ आ जाते हैं, पहले कि हाउ वुड वी ड्रॉ दिस प्रोजेक्शन। सो इसको मैं रेज कर दूं, जी अब है ड्राइंग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की, सेम प्रोसीजर उसी तरह से फॉलो किए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो रेडियस ऑफ ग्लोब आपने कैलकुलेट किया था उतना आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप पोलर डायमीटर्स ड्रॉ करेंगे और इक्वेटोरियल डायमीटर ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। इस प्रोजेक्शन में सोर्स ऑफ लाइट कंसिडर किया जा रहा है इन्फिनिटी पे एंड कमिंग फ्रॉम
the light is coming from the infinity and from the opposite pole side. So यहाँ पे सबसे पहला काम जो interval आपको given है, मतलब आपने 60 का angle mark किया, आपने 30 का angle mark किया, ठीक है, और अब आपने rays of light दिखा दी. So rays of light जो है उसके लिए मतलब accuracy को maintain करने के लिए सीधा काम ये किया जा सकता है कि southern side पे भी आप 60 और 30 के angles mark करें, ठीक है, और जो rays of light है मैं वो red color से draw कर देता हूँ कि आप एक ऐसी line generate करें, एक ऐसी line draw करें जो दोनों 60s को cross करते हुए, touch करते हुए यहाँ पे आके tangent को कनेक्ट कर लें. इसी तरह से आप 30 to 30 both sides angles में, ये चूंकि मेरे पास वो डी या प्रोटेक्टर नहीं है या इस पे इस तरह से यूज नहीं हो सकता, बट दिस शुड बी द केस के आप यहां से ये 30 to 30 कनेक्ट करते हो. अब इस लाइन के पैरेलल, ये जो आपकी पोलर लाइन है इसके एग्जैक्टली पैरेलल आपने यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम इक्वेटर, ताकि इक्वेटर का डिस्टेंस पोल से जो है वो भी डिटरमिन हो जाए, ठीक है. तो इस हवाले से अब आपके सामने है कि यहाँ पे आ गया पी, 60 डिग्री का रेडियस आ गया ए, पी टू ए, 30 का आ गया पी टू बी, और इक्वेटर का आ गया सी. सो जो रेडियस ऑफ द ग्लोब होगा वही डिस्टेंस यहाँ से पी टू सी बनेगा. तो इसके लिए आप सिंपल काम कर सकते हैं कि जितना रेडियस है उतना ही आप इसको ड्रॉ करेंगे. यहाँ से आगे आपने अब क्रॉसिंग लाइंस ड्रॉ करनी है. सबसे पहले आप पी टू ए डिस्टेंस जितनी कंपास खोलेंगे और सर्कल ड्रॉ कर देंगे, दैट विल बी 60 डिग्री. उसके बाद पी टू बी आप डिस्टेंस मैय करने के बाद सर्कल ड्रॉ करेंगे और 30 डिग्री, और फिर आ जाएगा इक्वेटर. इसमें जो आपको स्पेसिंग बिटवीन द पैरेलल्स नज़र आएगी वो डिक्रीज करती हुई नज़र आएगी, ठीक है. सबसे ज़्यादा स्पेस जो आपको नज़र आ रही है वो पोल और 60 के दरमियान में नज़र आ रही है. उसके बाद 30 और 60 के दरमियान आप देख रहे हैं स्पेसिंग कम हो रही है, और इक्वेटर और 30 के दरमियान ये मज़ीद कम हो रही है. जो मेरिडियन की लेंथ है इस प्रोजेक्शन के ऊपर, दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द ग्लोब, टोटल लेंथ जो इक्वेटर तक आ रही है. रादर हम जितना मेरिडियन शो कर रहे हैं वो एक्चुअली पोल टू इक्वेटर है. हाफ ऑफ द मेरिडियन जो है वो शो होता है जेनिथल प्रोजेक्शंस में, ठीक है. बट द लेंथ ऑफ दिस मेरिडियन विल बी, इफ कंप्लीट मेरिडियन इज कंसिडर्ड, तो वो डायमीटर के बराबर होगा, लेकिन जितना दिखाया जा रहा है वो इक्वेटर तक जितना दिखाया जा रहा है, दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द ग्लोब, ठीक है जी. यहाँ से अब हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ. सो अदर प्रॉपर्टीज रिमेनिंग द सेम, के मेरिडियंस आर स्ट्रेट लाइंस, मेरिडियंस रेडिएट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्रोजेक्शन व्हिच इज द पोल, एंड मेरिडियंस इंटरसेक्ट द पैरेलल्स एट राइट एंगल्स, पैरेलल्स आर कंसेंट्रिक सर्कल्स. लेकिन अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो यही है कि पैरेलल्स आर नॉट स्पेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस. ये तकरीबन सब तीनों प्रोजेक्शंस में हमने ये पहली स्टार्टिंग लाइन कही है. The distances between them decrease rapidly towards the margins of the projection. यहाँ पे आपको decrease नजर आ रही है. जो 30 और 0 के दरमियान में गैप था वो 60 और 30 से relatively कम था, ठीक है. इसके बाद as a result the scale along the meridians decreases rapidly away from the center of the projection. के जो पोल और 60 के दरमियान में जितना एरिया शो हो रहा है, 30 और 0 के दरमियान में वो एरिया कम शो हो रहा है, मींस के जो मैप होगा वो स्क्वीज हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा. द स्केल अलॉन्ग द पैरेलल्स इज हाउएवर करेक्ट, कि पैरेलल्स के जो रेडियाए हैं वो तो वही हैं जो पैरेलल्स के रेडियाए
एक ग्लोब के ऊपर होते हैं. सो जो सर्कमफ्रेंस है मीन्स के जो पैरेलल्स हैं या जो लॉन्ग लैटिट्यूड्स हैं उनका सर्कमफ्रेंस बिल्कुल स्केल के अकॉर्डिंगली है, लेकिन जो मरीडियंस की लंबाइयाँ हैं वो ग्लोब पे मरीडियंस की लंबाइयों से कम है. द स्केल अलॉन्ग द मरीडियंस डिक्रीजेज रैपिडली अवे फ्रॉम द सेंटर, शेप्स आर मच डिस्टॉर्टेड एंड द डिस्टॉर्शन इंक्रीजिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्रोजेक्शन. इट इज नाइदर इक्वल एरिया नॉर ऑर्थोमॉर्फिक, शेप्स को डिस्टॉर्ट कर रही है, एरिया को डिस्टॉर्ट कर रही है, क्योंकि सिर्फ एक डायमेंशन यानी कि लैटिट्यूड्स की लंबाइयाँ ठीक आ रही है. लैटिट्यूड्स पे स्केल जो है वो करेक्ट है, मरीडियंस का स्केल करेक्ट नहीं है. दैट मीन्स के जो प्रोडक्ट होती है लेंथ इनटू विड्थ वो इसके ऊपर डिस्टॉर्ट हो जाएगी. ठीक है कि जो आप एरिया जब भी कैलकुलेट करते हैं एरिया इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड विड्थ. सो अगर विड्थ कंसिडर कर रहे हैं हम पैरेलल्स को वो तो एक्यूरेट है, लेकिन जो लेंथ है मरीडियंस की लेंथ वो एक्यूरेट नहीं है. इसका मतलब है कि एरिया इस प्रोजेक्शन पे एक्यूरेटली शो नहीं हो सकता, कैलकुलेट नहीं हो सकता. अकॉर्डिंगली हम इसको कहेंगे कि ये इक्वल एरिया प्रोजेक्शन नहीं है. यूजेस इसके क्या है, जिस पर्सपेक्टिव को ये शो कर रही है, जिस तरह से ये प्रोजेक्शन जो है वो प्रेजेंट कर रही है व्यू को, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो जेनिथल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्रेजेंट्स द व्यू ऑफ अर्थ एज सीन फ्रॉम अ डिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम स्पेस. सो दिस प्रोजेक्शन इज एक्चुअली यूज्ड फॉर मेकिंग एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स, यानी जो सेलेस्टियल स्फीयर्स दिखाए जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉमी में मुख्तलिफ स्टार्स को दिखाया जाता है या स्काई का स्केच दिखाया जाता है, उसके लिए ये प्रोजेक्शन यूज होती है. ठीक है, तो आज का लेक्चर इसके बारे में था जेनिथल प्रोजेक्शंस के. हम प्रोजेक्शंस को फिर से रिवाइज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कॉनिकल प्रोजेक्शंस के बारे में होगी.